तो महाप्रभु जी का हमारे लिए आदेश क्या है? महाप्रभु जी कहते हैं, भारत भूमि ते होइलो मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक कोरी करो परोपकार। और एक वाक्य कहा गया है जो आज का कथा समाप्त होने के लिए इस पर चर्चा होनी चाहिए, हमारा आज्ञा होइया ता गुरु तार ए देश, जरा देखो तारों को हो कृष्ण उपदेश। महाप्रभु ने बहुत सुंदर सुंदर लीला किया है, बहुत मधुर लीला किया है, मनमोहक लीला किया है, प्रेम लीला किया है, प्रेम संकीर्तन किया है, प्रेम का आवेश लोगों को दिया है, लेकिन आदेश भी कुछ दिए हमको। वो स्वयं कहते हैं कि हमारा भारत देश कितना महान है, अनंत जन्मों के पुण्य के बाद इस भारत में जन्म मिलता है। तो जब कोई बड़ा भाग्य प्राप्ति होती है ना, तो बड़ी जिम्मेदारी भी आती है उसके साथ में। कोई बड़ा भाग्य जो है वो ऐसे फ्री में नहीं आता है। तो महाप्रभु जी हमको बता रहे हैं, अगर हम सब महाप्रभु जी के अपने आप को अनुयायी मानते हैं, अगर हम सब आपको अपने आप को महाप्रभु के आंदोलन के हिस्सा मानते हैं, ये समझते हैं कि हमने इस संप्रदाय में दीक्षा लिया है, महाप्रभु जी से हमारा संप्रदाय संबंधित है, महाप्रभु जी गौड़ीय संप्रदाय में प्रवेश कर चुके, ईश्वरपुरी के शिष्य बने, उन्हीं के शिष्य से गोस्वामी और उन्हीं से गोस्वामियों के शिष्य हम परंपरा में आते हैं, और हमारा भी संलग्न दीक्षा उन दीक्षा में संप्रदाय में हुआ है। अगर हम इस बात को मानते हैं कि हम महाप्रभु के संप्रदाय के अनुयायी हैं, हम गौड़ीय वैष्णव हैं, हम रूपानुग हैं, तो हमारे लिए आदेश लागू है, भारत भूमि ते होइलो मनुष्य जन्मजार। अगर हम सब लोग का जन्म भारत भूमि में हुआ है, तो हमारा प्रथम परम कर्तव्य है कि हम सब स्वयं भक्त बने, अपना जीवन सार्थक करें। लेकिन वहां पर हमारा कर्तव्य समाप्त नहीं होता है। जन्म सार्थक कोरी करो परोपकार, परोपकार करना हर भारतीय का कर्तव्य है, और हम अपनी भारतीयता को ही भूल चुके हैं। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि हमारी देश की जो देशभक्ति है वो दिव्य भक्ति का ही अंग है। अगर आप अमेरिकन होते और अमेरिका की देशभक्ति करते, तो आपकी अमेरिका की देशभक्ति भगवान की भक्ति नहीं है। लेकिन भारतीय आप हैं और भारत की देशभक्ति करते हैं, तो आपकी भारत की देशभक्ति प्रेम भक्ति का एक हिस्सा है। क्यों? क्योंकि आपका देश इतना महान देश है, संतों का देश है, भगवान के अवतार का देश है। हर एक भगवान के भक्त संत इनका अवतार इस देश में हुआ है, इनके चरण चिन्ह जो है यहाँ पर लगे हुए हैं। इसलिए दो मिनट में समाप्त करेंगे, इसलिए हम सब लोगों को हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, इसके बारे में बहुत गहराई से विचार करना चाहिए। स्वयं को उद्धार करते हुए हम सब लोगों को दूसरों का भी उद्धार करने का विचार करना चाहिए। परोपकार का मतलब क्या होता है? पर उपकार, और सही उपकार क्या है? जब तक जीव भगवान के साथ जुड़ने जाता है, तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता है। उसका उपकार की व्याख्या ये है, जीव का भगवान के साथ में संपर्क करा देना। लेकिन उसके लिए हम सबका श्रद्धा और निष्ठा भारतीय होने पर होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वयं चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। स्वयं चैतन्य महाप्रभु भारत के गौरव का वर्णन कर रहे हैं, हमारे और आपके जन्म का जो महानता है उसका वर्णन कर रहे हैं। और हम सब लोगों को संक्षेप में कहा जाए तो हमारी रहन सहन, हमारे कपड़े पहनने का ढंग, हमारे खाने पीने का ढंग, हमारे बोलने का ढंग, हमारी विचारधारा का ढंग, ये सब भारतीय होना चाहिए। हमारा हर एक विद्यार्थी भी स्कूल से बाहर निकलता है तो विदेश जाने की सोचता है, भारत पर श्रद्धा नहीं है, विदेश जाने पर वो महान बन जाता है। हम लोग भी घर में कोई विदेश में लड़का पढ़ता होगा तो बहुत गर्व करते हैं कि मेरा लड़का अमेरिका में पढ़ रहा है। लेकिन हमें अपने देश पर, अपने मिट्टी पर, अपने संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। हम अभी मन से विदेशी हैं, तन से देशी हैं, तन से भारतीय हैं लेकिन मन से विदेशी हैं। हम मानसिक गुलाम हैं विदेशी संस्कृति का, वी आर इंटेलेक्चुअल स्लेव्स ऑफ वेस्टर्न कल्चर। तो आज के इस गौर पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं सब लोगों को अपील करता हूँ, आपके ज़मीर को पुकारता हूँ कि आप अपने भारतीय होने के विषय में विचार कीजिए, अपनी श्रद्धा और अपने आदर्श विदेश में मत बनाइए, अपनी श्रद्धा और आदर्श भारत में बनाइए। हमारे भारत में ऐसे अनंत आदर्श आपके लिए हैं जो आपको गर्व दिला सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हम अपने देश पर आज गर्व नहीं करते हैं और विदेश पर गर्व करते हैं, उसकी संस्कृति को अपना रहे हैं, उसके गुलाम बन रहे हैं, उनके जैसा कपड़ा पहन रहे हैं, वैसा सोच रहे हैं जैसा हम लोग नहीं सोचना चाहिए।
तो आइए इस गौर पूर्णिमा के दिव्य अवसर पर, महाप्रभु जी की अनंत कृपा के इस शुभ अवसर पर, मैं आपको ये विनती करता हूँ, ये विनंती करता हूँ, हृदय से विनंती करता हूँ कि हम सब लोग तन से, मन से, बुद्धि से, आत्मा से भारतीय बने और बड़े गर्व से भारतीय संस्कृति को अपनाएं और गर्व से विदेशी लोगों को बताएं कि हम भारतीय हैं और ये हमारा कल्चर है, इस तरह से हम खाते हैं, इस तरह से पीते हैं, इस तरह से पहनते हैं, इस तरह से बोलते हैं, ये हमारे त्यौहार है, ये हमारा कल्चर है, ये हमारे भारत की धरोहर है, संस्कृति है। तब जाकर चैतन्य महाप्रभु और बाद में श्रील प्रभुपाद जी का जो इतनी सारी मेहनत है वो सार्थक हो जाएगी। जब हम सब लोग इस ज़मीन को अपने हृदय से अपना लेंगे, हाँ, तब हम कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं और महाप्रभु को प्रसन्न कर रहे हैं, कृष्ण भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। कृष्ण भगवान कोई विदेश में नहीं गए थे, कोई भगवान का अवतार विदेश में नहीं हुआ था, कोई संत विदेश में जन्म नहीं लिए थे, यहाँ पर तो भंडार है संतों का और भगवान के अवतारों का, वो सब इस भूमि पर आए हैं। क्यों नहीं हम अपने भूमि पर विश्वास करते, क्यों नहीं श्रद्धा रखते, निष्ठा रखते, क्यों नहीं प्रेम रखते हैं?